Hello, hello. Hello. संचालन आसन के लिए लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे पहले, राइट आपको दोनों काम के बीच में रहना चाहिए। खुल दी पर्वत आसन दोनों लोगों को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टांग आसन, आपके बॉडी के 8 अंग नेवल पॉइंट तक आएंगे, यहीं से पर्वतासन के लिए जाएंगे बिना बॉडी को एडजस्ट किए। राइट लेग को आगे लेके आएंगे सुसंचालन आसन, कोशिश करिए दोनों पाम के बीच में आ जाए। बैक में आर्क बनाइए, लेफ्ट लेग को ज्वाइन करिए, पाद हस्तासन, घुटने सीधे रखेंगे, यहीं से हस्तोत्तानासन, नमस्कार आसन। किसमें नहीं, उसको पास लाइए, कोई नहीं, वो शोल्डर लेवल पर रखिए। यहीं से जाएंगे, 2 ऑन काउंट करेंगे, 3। इस बार राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, पहले कौन सा, पिछली बार लेफ्ट गया था, पिछली बार पहले लेफ्ट गया था, पहले राइट गया था, नहीं तो चेंज कर लीजिए, अल्टरनेट कर लीजिए, हाँ जो गया था उससे दूसरा कर लीजिए। ज्वाइन करेंगे दोनों लोगों को, पर्वत आसन में आएंगे, कोशिश करेंगे एड़ियां आपकी जमीन से टच रहे, गर्दन इनसाइड। नेक्स्ट अष्टांग आसन, टो नी चेस्ट चिन और बोथ पाम आसन के लिए आइए, टो आउट स्ट्रेच रखेंगे भुजंगासन के लिए, टो पीछे की तरफ खींच कर रखिए। यहीं से पर्वतासन के लिए आइए विदाउट एडजस्ट योर बॉडी, हील को टच करिए ग्राउंड से, अश्व संचालन में आएंगे, जो पैर पीछे गया था उसी को पीछे लेके जाएंगे। लुक अप, पादहस्तासन के लिए दोनों लेग ज्वाइन करिए, घुटने सीधे रखेंगे, हस्तोत्तानासन, बैग में आर्क बनाइए जितना जा सकते हैं एज पर योर लिमिट। यस नमस्कार आसन, यस वापस आइए, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे ताड़ासन। तो ये दोनों हैंड्स को रेज करेंगे साइड ऑफ द बॉडी, इंटरलॉक योर फिंगर एंड स्ट्रेच योर होल बॉडी अप, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच फील करेंगे, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, कोहनियाँ आपकी सीधी रहेंगी, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को वापस लेंगे, देन हैंड्स को रिलीज करेंगे धीरे धीरे, इनहेल करिए एक्सहेल करिए, नॉर्मल ब्रीथिंग को रखेंगे, कोशिश करिए जब आप आसन में जाते हैं तब इनहेल करते हुए जाएं और जब रिलीज करते हैं तब एक्सहेल आउट करते हुए, और फाइनल पोजीशन में ब्रीथ को नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आसन वृक्षासन, राइट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट की इनर थाई पर जितना हो सकता है उतना
उसको प्लेस करेंगे, लेटरल ही रखेंगे, फॉरवर्ड ना आए पैर आपका। हाथों से आप कोई भी मुद्रा, टेम्पल या नमस्कार, लेकिन आपकी एल्बो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कानों से टच होते हुए आपके बाइसेप्स आएँ, एल्बो को खींचे हुए रखिए। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जस्ट स्लोली स्लोली वॉक। जिनसे बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो बिगनर्स हैं, वो किसी भी एक सामने पॉइंट को पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर फोकस करेंगे, इधर उधर ध्यान ना लगाएंगे तो आपका बैलेंस इजीली बन जाएगा। दूसरे लेग के साथ परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट की इनर थाई पर रखिए, हाथों को रेज करते हुए ऊपर नमस्कार या टेम्पल मुद्रा बनाइए। आपकी पाम हथेलियाँ दोनों टच होनी चाहिए, चाहे वो नमस्कार मुद्रा हो या टेम्पल, इस तरह से देख लीजिए। एल्बो को खींचते हुए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे वापस आएंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, गहरी लंबी सांस लीजिए। नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे त्रिकोण आसन, दोनों पैरों को शोल्डर लेवल से ज़्यादा खोल लीजिए, जितना हो सकता मैक्सिमम। राइट लेग को राइट टर्न करिए, राइट टो को, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक उठाएंगे, पाम की डायरेक्शन फॉरवर्ड, पाम फॉरवर्ड, अपने राइट हैंड से राइट एंकल को टच करने की कोशिश करें, लेटरल ही जाना है। अगर आप थाई तक जा पा रहे हैं थाई तक जाइए, नी तक जा पा रहे हैं नी तक, या फिर काफ मसल्स तक, लेकिन लेटरल ही रहिए। सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन स्लोली स्लोली यहीं से राइट लेग राइट टो को सीधा करिए, लेफ्ट टो को लेफ्ट साइड, एंड बेंड योर बॉडी लेफ्ट। राइट हैंड को राइट हैंड की मिडिल फिंगर की टिप को ऊपर की तरफ देखेंगे और लेफ्ट से लेफ्ट एंकल को होल्ड करेंगे, पाम आपका फॉरवर्ड होना चाहिए, पाम की डायरेक्शन फॉरवर्ड। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस आइए धीरे धीरे, दोनों हाथों को नीचे करेंगे, धीरे धीरे पैरों को वापस लेके आइए। सिक्योर लेग, सिक्योर हैंड, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, दो से तीन गहरी लंबी सांस लेंगे। हवा ना चलने की वजह से गर्मी ज़्यादा है, थोड़ी सी हवा चल जाए तो मौसम अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे पाद हस्तासन, दोनों हाथों को साइडवर्ड उठाइए, स्लोली स्लोली फॉरवर्ड बेंड होंगे, पेल्विक रीजन से कमर आपकी सीधी रहेगी, जितना जा सकते हैं घुटने सीधे, जहाँ आप पहुँच पा रहे हैं उससे थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करें, लेकिन कोई किसी भी ब्लास्टिक मूवमेंट के साथ नहीं, स्लो स्ट्रेस मेथड के साथ उससे आगे जाने की कोशिश करें। वेरी गुड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आएंगे। यहीं से अर्ध चक्रासन करेंगे, हाथों को पीछे लेकर के, या तो आप बैक की सपोर्ट में लगा लीजिए, अदरवाइज आप हाथ ऊपर करके भी कर सकते हैं, बैक की सपोर्ट में लगा लीजिए जो बिगनर्स है। सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन धीरे धीरे वापस आइए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, गहरी लंबी सांस लेंगे, बैठ जाइए। सभी लोगों को
दोनों लेग को सीधे कर लेंगे, दंडासन में आइए। ऊपर वाले ऐसा है कि आज हमने रखा था शाम को जो है एक घंटे मेरे को कहीं किसी भी जाना पड़ा जमीन में जो है शाम को जो है नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को इस समय ही बता देता हूँ। एक तो डायबिटीज के लिए, दूसरा आपने तकलीफ के लिए बताया जो मैं यहाँ एवेलेबल हूँ। ये आपका 21 तारीख को सही के बाद है एक या दो दिन जो है बाद में दे देगा। जितना भी मैं कराना चाह रहा हूँ तो वो चीज़ जो है करा दो। तो प्राणायाम जो है ना उनसे नियोग नहीं हो रहा, तो प्राणायाम का अभ्यास करा देता हूँ आपको एक तो पहले, और क्रिया जो है क्या क्या है उनके बारे में बता दूँगा, करा दूँगा थोड़ा अगर कोई करना चाहेगा। इसके बाद में क्रिया क्या क्या होती है और कैसे की जाती है तो वो भी थोड़ा सा जो है ना आपको मैं जो है ना यहाँ बता दूँगा, जो सीखना चाहेगा इसके बाद में, क्योंकि एक दिन में नहीं क्रिया जो है सीखी जाती है। आज जो है अभ्यास करेंगे, कोई भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाए, कपालभाति करेंगे, उसके बाद आपको प्राणायाम सीखनी शीतकारी उज्जयी ये नए जो प्राणायाम हैं कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वो थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। कपालभाति आरंभ करें, देखिए कपालभाति करते हुए अगर ध्यान से मेरी बात को, ये एपिग्लोटिस है, एक तो सीधे बैठे एपिग्लोटिस ये जो होता है इसे थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे तो आपके कपाल मिस होता है फोर है हाथी मिस हो साइनिंग, ये मेमोरी वगैरह भी जो है बढ़ाता है, आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी हटाता है, और साथ में जो है ना आपका स्ट्रेस वगैरह टेंशन क्योंकि आप एक्सहेल आउट कर रहे हो बाहर सांस निकाल रहे हो तो ये जो है ना आपके तनावों को भी दूर करता है। चलिए करीब बेहतर है कैप लगा के आप न करें इसे, क्योंकि ये जो है ना आपका ये बाल है इनसे जो है ना आपकी क्या है ये गैस जो है निकल के जाती है और डेड सेल भी निकल के जाते हैं। अगर आप इसे ऊपर कैप लगा के करेंगे उसके बाद में लगाएं तो आपको आप महसूस करेंगे कि हाँ बाल खड़े हो रहे हैं जब एक्सहेल आउट कर रहे हैं आप जो है ये अनुभव करें कि हाँ यहाँ से निकल रही है जो है। फेस पे तनाव नहीं होना चाहिए इस समय, और नहीं तो अगली फेस मीन एकदम से क्या तनाव वैसे ही बन जाएगा आपका चेहरा से, नॉर्मल फेस होना चाहिए। आइए वापस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था आपकी पोजीशन तो यही रहेगी, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिस प्राणायाम का नाम है शीतली और एक है दूसरा है शीतकारी, ये जो है गर्मियों में ही ये किया जाने वाला आपका प्राणायाम है, ज़्यादा लाभकारी है जो शरीर के अंदर आपके ठंड पैदा करेगा, कूलनेस लेके आएगा बॉडी के अंदर, तो इसलिए इसको अभ्यास अगर आप करेंगे और साथ में ये है ना कि आपका हाइपर एसिडिटी हो जाती है जिनको अल्सर हो जाता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अगर जिनको आपने मिर्च मसाले का ज़्यादा खाना वाना खा लिया जलन महसूस हो रही है तो अगर आप खाना खाने के 2.5 से 3 घंटे के बाद परफॉर्म करें, ये नहीं खाना खाने के बाद जलन हो रही कर लें तो फिर आपको समस्या और बढ़ा देगा, नहीं तो ये जरूर ध्यान रखें। ये शीतली और शीतकारी दो प्राणायाम इसलिए बताए गए, लाभ ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, जिनकी टंग जो है ये जो जीव है फोल्ड नहीं होती है जैसे कौवा बना लेता है उस तरह से फोल्ड की जाती है, जिनकी नहीं होती है तो उसके लिए शीतकारी है, इस तरह से गोल बनाए इसको, हो सकता है मतलब है ना 20 आदमियों में से फोल्ड ही नहीं होती है आप फोल्ड।